नमस्कार, नीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टी मीठी और तीखी भरवा मिर्ची। इसको बनाने के लिए मैंने 10-12 मिर्ची ले ली है और इसको बीच में से कट लगा दिया है इस तरीके से। इसके लिए 4 चम्मच मैंने भुना हुआ बेसन लिया है। बेसन को हल्का सा भून लिया है, मैंने भून करके लिया है। और 4 चम्मच मूंगफली के दाने हैं पिसे हुए, इन्हें भी मैंने सेक करके छिलका हटा कर पीस कर लिए हैं। ये नारियल का बुर्रा है, डेसिकेटेड कोकोनट, ये 1 चम्मच तिल है, 4 चम्मच तेल है, कुछ मसाले हैं जिसमें धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, अमचूर है 1/4 चम्मच से कम, हींग 1 पिंच, हल्दी 1/4 चम्मच और पिसी हुई शक्कर है 1/4 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। खट्टी मीठी तीखी मिर्ची फ्राई बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें बेसन को डाल देते हैं। मूंगफली, नारियल का बुरा, सभी मसाले, इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तेल डाल दूंगी थोड़ा सा, 1.5 चम्मच तेल डाला है मैंने, और इसको वापस अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, सभी चीज़ों को एक जैसा मिला करके कर लिया है। अब इसे हम मिर्चियों में भरेंगे। एक मिर्ची ले लेंगे और उसमें इसको भर देंगे। इसी प्रकार से सभी को भर करके तैयार कर लेंगे। मैंने सभी मिर्चियों में मसाला भर करके इनको तैयार कर लिया है। ये थोड़ा सा मसाला बच गया है, इसको मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगी, इसी मिर्ची को बघार करके। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल डाल देती हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। साथ ही मिर्चियों को डाल दूंगी। मैंने मिर्चियों को फ्राई होने के लिए डाल दिए। एक और से फ्राई हो गई है, मैं ये पलट देती हूँ। दूसरी ओर से भी लगभग फ्राई हो चुकी है, अब मैं बचा हुआ मसाला इसमें डाल देती हूँ। 1 मिनट और पकने दूंगी इसे। मिर्ची फ्राई बन करके तैयार है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे निकाल देती हूँ।
खट्टी मीठी और तीखी मिर्ची फ्राई बन करके तैयार है। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये मिर्ची खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप खाने के साथ में ऐसे साइड डिश खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।